सो बेसिकली टुडे वी आर गोइंग टू डू वन और टू क्वेश्चन बेस्ड ऑन डमी वेरिएबल्स. ठीक है, वी हैवंट एक्चुअली कवर्ड टू मच इन द क्लास, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गेटिंग टू मच इनटू इट. वी'ल जस्ट डू द बेसिक्स. ठीक है, डमी वेरिएबल्स, दिस इज सेक्शन नंबर 8. सो लेट्स स्टार्ट. ठीक है, तो बेसिकली ओके, लेट मी जस्ट शेयर माय एंटायर स्क्रीन. ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ. इस क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं, एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम योर बुक इटसेल्फ. द क्वेश्चन सेज टेबल 6:12. तो मतलब द फर्स्ट टास्क दैट वी हैव इज नाउ वी हैव टू ब्रिंग इन द डेटा फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. तो जो हमारी टेक्स्ट बुक के लिए जो लिंक था उसमें हमें पहले, हमने पिछले कुछ दिनों में क्वेश्चन जो किए थे चैप्टर नंबर 5 बेस्ड, अब हमें चैप्टर नंबर 6 का डेटा चाहिए. उसमें टेबल 6:12 वो हमें यूज करनी है. ठीक है, सो दिस पर्टिकुलर डेटा गिव्स नॉन सीजनली एडजस्टेड, मतलब सीजन्स के बेसिस पे बिना एडजस्ट किए डेटा दिया हुआ है उन्होंने. एंड द डेटा इज क्वार्टरली डेटा ऑन रिटेल सेल्स ऑफ हॉबी टॉय एंड गेम स्टोर्स. सो बेसिकली टॉय एंड गेम स्टोर्स की कितनी सेल हुई है डिफरेंट डिफरेंट क्वार्टर्स में, स्टार्टिंग फ्रॉम पीरियड 1992 फर्स्ट क्वार्टर से लेके 2008 सेकेंड क्वार्टर तक. तो ये सारा डेटा आपको अवेलेबल है. ठीक है, तो हम डेटा पिक करेंगे. उसके बाद इन्होंने क्या मॉडल रन किया है? अच्छा एक बात बताओ, एक साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं? 4 क्वार्टर्स, राइट? तो हाँ, 4 क्वार्टर्स होते हैं हमारे पास. तो बेसिकली इन्होंने क्या मॉडल रन किया कि जो भी आपकी रिटेल सेल्स हुई है वो इज इक्वल्स टू B1 प्लस B2 D2T प्लस B3 D3T प्लस B4 D4T प्लस दी एरर टर्म. और फिर D1 D2 D3 D4 इनको इन्होंने डिफाइन किया हुआ है. ठीक है, D2 क्या है? एक डमी वेरिएबल है. सो जब भी हमारे पास डमी वेरिएबल्स होते हैं दे स्टार्ट विद द लेटर D, दैट मीन्स इट्स अ डमी वेरिएबल. ये D2 जो डमी वेरिएबल है वो किस चीज के लिए रिप्रेजेंटेड है? सेकेंड क्वार्टर के लिए. तो अगर आपका डेटा सेकेंड क्वार्टर का है तो ये डमी वेरिएबल वैल्यू 1 ले लेता है, और उसके अलावा चाहे फर्स्ट क्वार्टर हो, चाहे थर्ड क्वार्टर हो, चाहे फोर्थ क्वार्टर हो, इट टेक्स वैल्यू 0. ठीक है, सिमिलरली द अदर डमी वेरिएबल D3 दैट टेक्स वैल्यू 1 इफ वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड क्वार्टर, एंड इट टेक्स वैल्यू 0 फॉर ऑल दी अदर क्वार्टर्स. D4 हमारे पास एक डमी वेरिएबल है जहां पे हमने क्या किया है, यू नो वी हैव डन, सो वेन एवर देयर इज फोर्थ क्वार्टर इट टेक्स वैल्यू 1, एंड फॉर ऑल दी अदर क्वार्टर्स इट इज टेकिंग वैल्यू 0, राइट? सो दैट इज द सिचुएशन. एंड यू नो डू यू रिमेम्बर हमने कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करते टाइम ये बोला था कि अगर मेरे पास कोई डमी वेरिएबल है मान लो जिसमें 4 कैटेगरीज हैं, विच इज दिस केस राइट नाउ, फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, राइट? आई हैव 4 कैटेगरीज. तो अगर मेरे मॉडल में इंटरसेप्ट है तो आई शुड ओनली एड 3 वेरिएबल्स, राइट? आई शुड ओनली एड 3 डमी वेरिएबल्स ताकि मेरे पास, मैं डमी वेरिएबल ट्रैप में ना फंसूं. ठीक है, तो दिस इज एग्जैक्टली वॉट इज हैपनिंग, राइट? तो मेरे पास 4 कैटेगरीज थी इसीलिए मैंने सिर्फ 3 डमी वेरिएबल्स को यहाँ पे ऐड किया है. ठीक है, तो दिस इज वॉट वी आर सपोज टू डू. हमारे पास सिर्फ डमी वेरिएबल्स होंगे और सेल्स का डेटा है, और इस बेसिस पे हमें रिग्रेशन करना है. तो फर्स्ट पार्ट इज डू द रिग्रेशन, सेकेंड पार्ट इज वॉट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ अलग अलग कोएफिशिएंट. सो B1 का क्या मतलब होगा, B2 का क्या मतलब होगा, B3 का क्या मतलब होगा, B4 का क्या मतलब होगा, ये आपको एक्सप्लेन करना है. एंड देन पार्ट सी में बोला है कि प्लीज गिव अ लॉजिकल रीजन फॉर वाई द रिजल्ट्स आर दिस वे. सो जो भी हमारा वे आएगा वो हमारा रिजल्ट वैसा क्यों आ रहा है, इस बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बताओ. ठीक है, ये क्वेश्चन है. क्वेश्चन समझ आ गया? ठीक है, तो अब हमें बस इसको इंप्लीमेंट करना है. स्टेप्स हमारे वही रहेंगे, पहले हम डेटा लेके आएंगे, डेटा को एनालिसिस करने के लायक बनाएंगे, मेक श्योर करेंगे कि हेडर में उसका टाइटल है कि नहीं, कुछ रिडंडेंट रोज तो नहीं है, रोज होंगी तो उनको हटाएंगे. ठीक है, फिर देखेंगे कि डेटा किस तरीके का है, एंड देन वी विल डू द रिग्रेशन, एंड देन वी विल इंटरप्रेट इट, एंड देन वी विल सी वॉट इज द पॉसिबल एक्सप्लेनेशन दैट वी कैन गिव फॉर दिस. ठीक है, तो फाइन.
तो आप एक काम करो, अभी अपना जो डेटा है, जो अपनी बुक का जो डेटा अवेलेबल है उसके लिए जो लिंक है, वहां से सबसे पहले इफ यू आर डूइंग साइड बाय साइड, चैप्टर नंबर 6 पे बेस्ड डेटा जो है वो आप डाउनलोड कर लो और उसको अनजिप कर लेना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है जिप फोल्डर को कॉल करने की कोशिश कर रहे होते हैं और जिसकी वजह से मिस्टेक हो जाती है. आर डजेंट रिकग्नाइज जिप्ड फोल्डर्स. सो उसको अनजिप करके उसको डेटा बिल्कुल अच्छे फॉर्मेट में बना लो एंड देन जस्ट कॉल द डेटा फ्रॉम 6.12. ये टेबल से डेटा आप एक्सट्रैक्ट कर लो अपने आर सॉफ्टवेयर के अंदर, उसको कॉल कर लो. दिस इज द फर्स्ट स्टेप यू आर सपोज टू डू. ठीक है, तो इफ यू आर डूइंग इट साइड बाय साइड प्लीज डू दैट. आई एम ऑल्सो डूइंग इट साइड बाय साइड. ठीक है, तो सब इफ यू आर डूइंग इट साथ साथ में तो वो भी आप कर लो. चैप्टर नंबर 6 का डेटा डाउनलोड करना है, अनजिप करना है और उसमें टेबल 6.12 का जो डेटा है वो आर सॉफ्टवेयर में कॉल करना है. ठीक है, दिस इज समथिंग विच इज रिक्वायर्ड, सो लेट्स ऑल फिनिश दिस फर्स्ट. ठीक है, सो डू दैट एंड आई एम ऑल्सो डूइंग इट साइड बाय साइड एंड वील मीट इन 2 मिनट्स. ओके. All right, so let's all try to do this. So first, I should have the data. This is not the data. I think I should have the link with me. Just a second. Do you guys have the link? Let me share it. I have it with me. So the link is available in the, data set reference. PDF that I've shared with you, and I am also sharing it with you right now on the chat, so you can see it from there. Yeah, that's great. Akansha has already sent this to us. Theek hai. So we should start downloading the data first. Okay, so this is the data set. एंड चैप्टर नंबर 6 का डेटा हमें यूज करना है. सो नाउ यू कैन जस्ट सी वेयर डू यू वॉन्ट टू डाउनलोड. सो आई वॉन्ट टू डाउनलोड इट हियर ओनली इन साइड डेटा एंड दैट्स इट. सो वंस यू डू दैट देन यू कैन एक्सट्रैक्ट इट बिकॉज इट विल बी विजिबल एज अ जिप फोल्डर. सो यू कैन सी दैट दिस इज डॉट जिप. So you have to unzip it, and this is where your data is. और इसमें से जो मुझे हमारे लिए जो relevant data है, that is 6.12. So this particular data, this one, this is what we need. Okay, so we have the data which we needed. अब इसके बाद हम लोग आगे के steps करेंगे. ठीक है, so are you guys with me so far? ठीक है, तो सबसे ग्रेट. सो सबसे पहले मैं अपनी डायरेक्टरी बिल्कुल क्लीन कर देती हूँ. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी
did last time. So we will just remove everything. So we will make the environment totally clean. So सबसे पहले हमने क्या किया, अपना environment clean कर दिया. You can run this. And then now let me see what is my working directory, and then based on that we will just see कि हमें किस तरीके से अपना डेटा कॉल करना है. सो माई वर्किंग डायरेक्टरी इज दिस. आई इफ आई डोंट वॉन्ट टू चेंज माई वर्किंग डायरेक्टरी आई कैन जस्ट कॉपी द इंटायर लोकेशन ऑफ माई फाइल. एंड बिकॉज ये सारी जो फाइल्स हैं ये डॉट एक्स एल एस फाइल्स हैं, तो मुझे स्टार्टिंग में कुछ पैकेजेस को इंस्टॉल करना पड़ेगा. सो दीज आर द सेम पैकेजेस which we always use, so you can just use these commands again. Let me do one thing, let me just create a new R file with the session and just have all of that done here. Yeah, okay, so I'll do that, I'll do everything here. So जो भी आपके required packages हैं आप एक बार ही वो download कर लो, जिसमें एक एक्सेल के लिए पैकेज वुड बी इम्पॉर्टेंट. सो वी रन दिस. ठीक है, सो वंस वी आर डूइंग दैट, उसके बाद हमें क्या करना है. सो यू बाय नाउ यू मस्ट हैव सीन इट्स लाइक रिपीटिंग द सेम प्रोसेस अगेन एंड अगेन, एंड the actual question doesn't take so much of time. The time is being taken by all these things, setting up and you know directory and calling and packages, all these things. But the more you do it, the more you're getting used to this situation, and matlab this is how basically coding is working. So aap thoda sa familiar ho jaoge is cheez se. Theek hai, to humne sare packages install kar liye hain. Theek hai, ab mujhe kya karna hai, मुझे मेरी फाइल कॉल करनी है. तो मैं जो है पूरी की पूरी फाइल को बिल्कुल अच्छे से पूरा यू नो क्या करूँगी मैं, आई डोंट वांट टू चेंज माय डायरेक्टरी, आई जस्ट वांट टू पुट द एंटायर लोकेशन, सो आई विल जस्ट यूज दैट. ठीक है, तो मेरा डेटा जो है वो रिटेल सेल्स पे बेस्ड है, तो रिटेल सेल करके इस डेटा का नाम लिख देंगे, और हमें एक्सेल फाइल रीड करनी है, तो आई विल जस्ट डू रीड डॉट एक्स एल एस, और यू कैन से एक्स एल एल एक्स एल एस एक्स, विच एवर यू फील कंफर्टेबल विथ. पहले हमने रीड अंडर स्कोर एक्स एल एस यूज किया है, यू कैन यूज दैट ऑल्सो. हाँ, राइट नाउ ऑल्सो वी आर यूजिंग द सेम थिंग. सो माई डायरेक्टरी बेसिकली वॉज पूनम, सो यूजर एंड पूनम, एंड देन so user Poonam econometrics data, that there I have to go, and then I have to go to chapter underscore 06 because that is the name of my folder, and yahan pe mujhe meri jo file hai xls, theek hai, aur meri jo file hai uska naam agar aap dekhoge, so the name is this. theek hai, to ye pura naam hai iska, to beech mein space bhi hai. theek hai, so this is the name of my file, and this is the entire path of this file. इसलिए मुझे directory change करने में ज़्यादा कोई issue होना नहीं चाहिए. ठीक है, आपकी मर्जी है if you want to do that. ठीक है, तो हमने read underscore xls user Poonam econometrics data, data में chapter 6 folder है, उसके अंदर ये table है जिसको मुझे call करना है. ठीक है, let's see if everything is fine. It should be like here. तो हमारे पास डेटा आ गया है. ठीक है, और रिटेल सेल नाम का डेटा आ गया है. और अब इसमें क्या है, अगर इस डेटा को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टेबल 6 12 1 2. तो बेसिकली स्टार्टिंग की 5 रोज जो है वो बिल्कुल एक तरीके से अननेसेसरी है मेरे लिए. ठीक है, और इन्होंने हेडर्स भी कहीं नहीं लिखे हैं. पहले तो पहला जो टर्म है वो तो ईयर होना चाहिए, ये होना चाहिए क्वार्टर, राइट, एंड दिस इज बेसिकली, या दिस इज बेसिकली माय
रिटेल सेल्स, राइट? तो ये अलग अलग क्वार्टर्स हैं, क्वार्टर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4. सो प्लीज नोट दैट दिस इज नॉट अ टाइम सीरीज, दिस इज एक्चुअली अ टाइम सीरीज डेटा. बट जो रिग्रेशन हमें रन करना है ना, वहां पे देखो आपको क्या बोला गया है कि बस सेल्स वैल्यू होंगी, और वो सेल्स वैल्यू किस कॉरेस्पॉन्डिंग क्वार्टर को लेके है वो आपको लिखना है. आपको कहीं पे भी नंबरिंग इस बेसिस पे नहीं देनी है कि ये कौन सा ईयर है, दैट डेटा इज नॉट देयर, राइट? सो द ओनली वेरिएबल दैट यू हैव, दैट यू नीड इज विच क्वार्टर इज दिस एंड व्हाट इज द रिटेल सेल. ये कौन से क्वार्टर कौन सी ईयर की है वो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, राइट? यहाँ पे ठीक है ना? तो वी जस्ट हैव टू यूज दीज टू वेरिएबल्स. वन इज द क्वार्टर, क्वार्टर नंबर, जिसके बेसिस पे हमारा डमी वेरिएबल डिसाइड होगा, एंड देन द अदर इज दिस पर्टिकुलर यू नो वैल्यू. ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें डेटा को यू नो पहले तो प्रॉपरली इस चीज को बनाना है, डेटा को अच्छे से स्ट्रक्चर करना है. ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे हम लोग? सबसे पहले तो एक हेडर बना देते हैं जिसमें क्या क्या होगा. यहाँ पे हमारे पास नेम्स, यहाँ पे ईयर हो जाए, यहाँ पे क्वार्टर हो जाए, और यहाँ पे रिटेल सेल्स हो जाए. ये इस तरीके से तीन चीजें कर देते हैं हम लोग. ठीक है, तो व्हाट डू वी वांट हियर? आई वांट टू मॉडिफाई माय डेटा. तो यहाँ पे मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ? आई विल जस्ट कॉपी ऑल ऑफ दिस. ठीक है, तो पहले तो नेम्स चाहिए. अब नेम उसकी किसी रो में होते तब तो ठीक था, बट ऐसा तो है नहीं. अब की बार रो में कोई नेम तो है नहीं, तो मैं क्या करूंगी, सी मीनिंग कॉन्कैटिनेट कर दूंगी, और मेरे जो हेडर्स हैं वो क्या क्या हो जाएंगे. पहला हो जाएगा ईयर, दूसरा हो जाएगा क्वार्टर, और तीसरा हो जाएगा सेल्स, रिटेल सेल्स. होपफुली इट शुड वर्क. ठीक है, सो वी डू दैट. अच्छा, स्टॉक डेटा. ठीक है, रिटेल सेल. ठीक है, सो होपफुली इट शुड वर्क. या सो इफ यू सी इट नाउ, दिस डेटा इज नेम्ड विथ ईयर हियर, क्वार्टर हियर, एंड सेल्स हियर. ठीक है, अब मेरे लिए फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, दे आर नॉट रेलिवेंट, सो आई विल रिमूव देम. ठीक है, सो दीज आर नॉट रेलिवेंट फॉर मी. सो मेरा जो नया रिटेल सेल डेटा है वो क्या हो जाएगा, जो पुराना रिटेल सेल डेटा है वो, जो पुराना रिटेल सेल डेटा है वो, उसमें से मैं क्या कर दूंगी, माइनस कर दूंगी रो नंबर 1 2 3 4 एंड 5. लेट्स सी इफ फिफ्थ, या 5 रोज आई हैव टू रिमूव, सो आई विल डू दैट, एंड दैट गिव्स मी माय न्यू वेल फॉर्मेटेड रिटेल सेल डेटा. ठीक है, जिसमें क्वार्टर्स लिखे हुए हैं और फिर यहाँ पे सेल्स लिखी हुई है, और ये कौन से ईयर के कॉरेस्पॉन्डिंग है वो भी हमें दिया हुआ है. एंड प्लीज नोट दैट ये आखिरी की चीजें भी हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, राइट? सो 70, 69, 68, 67, सो वी कैन रिमूव दीज ऑल्सो, राइट? सो ये भी हम लोग एक्चुअली रिमूव दोबारा कर सकते हैं, क्योंकि अब हमने नया डेटा कुछ और बना दिया है, तो इसीलिए हम लोगों को नंबर्स जो है क्या करने पड़ेंगे. सो स्टार्टिंग फ्रॉम 67 टू 70, 67, 68, 69 एंड 67, 68, 69, 70, राइट? सो आई विल जस्ट रिमूव दैट ऑल्सो, एंड दैट गिव्स मी दिस डेटा विच शुड बी फाइन फॉर अस टू वर्क विथ. ठीक है, ये हमारा डेटा हो गया. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया आपको? ठीक है, रिटेल सेल. अब इसको देख लो ये किस तरीके का दिखाई दे रहा है.
कैरेक्टर 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 डीबीएल डीबीएल. अच्छा, व्हाट इज ऑल दिस? सो दीज क्वार्टर्स एंड सेल्स दे आर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एज नंबर्स ओनली एंड दिस इज अ कैरेक्टर विच इज फाइन. तो मुझे पता है कि ठीक है, मेरा क्वार्टर और जो सेल्स है वो नंबर्स की तरह रिकॉग्नाइज हो रहे हैं. तो दैट मीन्स आई डोंट नीड टू कन्वर्ट देम एज न्यूमेरिक दैट वी यूज टू डू. ठीक है, सो फार सो गुड. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, क्लीनिंग डेटा. चलो कूल, वेरी गुड. क्लीन कर लो और इस स्टेज तक जब हो जाए तो बता देना. ठीक है, जस्ट यू कैन सी इट इफ यू वांट. लेट मी जस्ट शेयर दीज लिंक्स विथ यू. या आई सेंट द स्क्रिप्ट, सो इफ यू वांट यू कैन कॉपी इट फ्रॉम हियर. ओके, सो लेट मी नो व्हेन एवर यू आर डन. इन द मीन टाइम लेट मी जस्ट डू समथिंग. या सो वी एक्चुअली फॉरगॉट टू स्टार्ट रिकॉर्डिंग. ओके, या थैंक यू सो मच. सो या सो बेसिकली नाउ द डेटा दैट वी हैव इन टर्म्स ऑफ दिस क्वार्टर इज 1 2 3 4 1 2 3 4. इट इज नॉट इन द फॉर्मैट जिस तरीके का फॉर्मेट हमें चाहिए, राइट right? हमें क्या चाहिए कि सेकेंड क्वार्टर के लिए एक डमी हो जो हर वैल्यू जीरो ले, लेकिन ओनली वेन एवर द क्वार्टर इज सेकेंड क्वार्टर देन यू पुट वैल्यू वन. सिमिलरली आई वॉन्ट अनदर वेरिएबल D3 जो सिर्फ थर्ड क्वार्टर के केस में वैल्यू वन ले, बाकी सब में जीरो ले. सिमिलरली आई वॉन्ट D4 विच इज अनदर वेरिएबल जो सिर्फ वैल्यू वन ले फोर्थ क्वार्टर के लिए, फॉर बाकी सब के लिए वो जीरो वैल्यू ले. ठीक है, तो इस तरीके की चीज आपको क्रिएट करनी पड़ेगी. ठीक है, तो अब क्रिएट करने के लिए क्या करना है, मैं क्या चाहती हूँ, मैं अपने डेटा फ्रेम में थोड़े से चेंजेस करना चाहती हूँ, और वो क्या चेंजेस हैं वो अभी लिख रहे हैं. ठीक है, तो मैं एक नया डेटा फ्रेम क्रिएट करना चाहती हूँ, रिटेल सेल, जो कि पुराने डेटा फ्रेम से ही बने. कैसे बने? ठीक है, तो अब नाउ व्हाट डू यू वांट टू डू, यू वांट टू म्यूटेट. एंड व्हाट चेंजेस डू यू वांट, कि अब आप एक नया वेरिएबल बनाना चाहते हो, मान लो जिसका नाम आपने रख दिया D2. अब D2 क्या है, D2 किस तरीके से डिफाइंड होगा वो हम लोग लिख रहे हैं. D2 इज इक्वल्स टू व्हाट, सो D2 इज इक्वल्स टू व्हाट. अब एक फंक्शन होता है इफ एल्स. ठीक है, इफ ये कंडीशन हो जाए तो ये कर देना, फिर एल्स अगर वो कंडीशन नहीं सेटिस्फाइड हो तो ये कर देना. इफ एल्स का तो यही मतलब है कि अगर, सो लेट से इफ आई एम हंग्री आई विल ईट दिस, इफ एल्स आई विल नॉट ईट दिस, राइट? तो मतलब, या अगर मुझे भूख होगी तो मैं ये खा लूंगी, नहीं होगी तो एल्स व्हाट आई विल डू, आई विल वॉक अवे फ्रॉम हियर, समथिंग लाइक दैट. तो जब भी आपको इफ इस तरीके की चीजें करनी हो कि अगर एक वैल्यू ये वैल्यू ले रही है तो ये कर देना, अदरवाइज कुछ और कर देना, इस तरीके की सिचुएशन जब हो तब आप इफ एल्स कंडीशन लगा सकते हो. तो मुझे क्या चाहिए कि जब भी मेरा ये क्वार्टर जो वेरिएबल है जब ये वैल्यू वन ले ले तो मैं क्या करूंगी. तो मेरा फर्स्ट क्वार्टर है, तो मान लो मेरा जो डमी वेरिएबल है D1, मान लो जो मैं क्रिएट करूंगी उसको मैं वैल्यू वन देना चाहती हूँ, एंड बाकी हर पॉसिबल सिचुएशन में मैं उसको क्या वैल्यू देना चाहती हूँ, जीरो. दिस इज व्हाट आई वांट, राइट? यही चाहती हूँ ना मैं. तो मैं क्या करूंगी कि एक नया वेरिएबल ऐड करो D1, इफ एल्स. अब मुझे कंडीशन लगानी है इफ एल्स. अब इफ एल्स में आप क्या करोगे, पहले बताओगे कि ये जो कंडीशन है ये किस चीज पर डिपेंड करती है, ये मेरे वेरिएबल, मेरा जो कॉलम है क्वार्टर, उसकी वैल्यू पे डिपेंड करती है. तो क्वार्टर जो है, क्वार्टर अगर इज इक्वल्स टू 1. जब आप दो बार इक्वल लिख देते हो ना, देखो दो चीजें होती है, एक बार इक्वल लिखना एक कॉन्सेप्ट है, दो बार इक्वल लिखना. तो मैंने लिख दिया लेट से ए इक्वल्स टू 1, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैंने ए वेरिएबल को 1 वैल्यू दे दी है. ठीक है, जब मैं लिखती हूँ ए इक्वल टू 1, तब वो क्या करता है, तब वो चेक करता है कि क्या ए 1 के बराबर है कि नहीं. तो जब भी हमें कोई वैल्यू किसी से कंपेयर करनी होती है, चेकिंग करनी होती है, असाइन नहीं करनी,
I don't want quarter to take value 1. I want to check if the quarter variable is that value taking 1 or not. ठीक है, अगर वो 1 वैल्यू ले तो मैं क्या चाहती हूँ, मेरा जो डी वन वेरिएबल है वो क्या वैल्यू ले, देन आई वॉन्ट डी वन टू टेक वैल्यू 1. तो जो आपकी इफ ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो आप क्या चाहते हो वो 1 लिख दो, और अदरवाइज वो क्या चाह रहे हो आप वो इधर लिख दो. तो अदरवाइज मैं चाह रही हूँ वो 0 हो जाए, इसलिए मैंने एल्स वाली कंडीशन की जो वैल्यू थी वो यहाँ लिख दी. ये चीज समझ आ गई कॉन्सेप्चुअली. तो मैं क्या चाहती हूँ, मैं एक नया वेरिएबल क्रिएट करना चाहती हूँ जो अगर मेरा क्वार्टर वेरिएबल 1 वैल्यू होगा तो वो 1 वैल्यू ले लेगी, बाकी अगर कुछ और वैल्यू हुआ तो वो 0 वैल्यू ले लेगी. ये चीज क्लियर हो गई? ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक बार इसको रन करके देख लेते हैं कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई है कि इफ दिस वर्किंग फाइन और नॉट. सो लेट्स सी. ठीक है, तो अब ठीक है ये तो चल गया, अब देख लेते हैं कि रिटेल सेल में क्या सिचुएशन. अब देखो, अब हमारा एक वेरिएबल ऐड बन गया ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है डी वन. डी वन पे क्या लिखा हुआ है, जब भी क्वार्टर 1 ले रहा है तो 1, अदरवाइज 0 0 0, 1 0 0 0, 1 0 0 0, यही चाहिए था ना मुझे, यही तो सिचुएशन थी है कि नहीं. तो जो मुझे चाहिए था वो बन गया. अब मैं ये सेम काम डी टू डी थ्री डी फोर इसके लिए कर सकती हूँ, राइट? ठीक है, तो परफेक्ट. तो अब हम सेम चीज करेंगे क्या, कि अब मैं दोबारा से फिर यही चीज कर देती हूँ और वो तीनों चीजें फिर एक साथ कर देंगे. ठीक है, तो आई ऑल्सो वॉन्ट दीज चेंजेस कि अब मेरा वेरिएबल डी टू है, जब क्वार्टर वैल्यू 2 ले तब उस वेरिएबल की वैल्यू 1 आनी चाहिए और बाकी सारी सिचुएशंस में उसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए. ठीक है, तो ये हो गई एक चीज. फिर आपको D3 अपना वेरिएबल भी इसी के अंदर म्यूटेट, या हाँ, फिर अब आपको अपना D3 वेरिएबल भी इसी तरीके से बनाना है. ठीक है, तो आप अपना D3 वेरिएबल भी इसी में ऐड कर लो. ठीक है, तो मैं D3 कब चाहती हूँ, D3 एक नया वेरिएबल ऐड करना चाहती हूँ जो अगर क्वार्टर 3 वैल्यू ले तो वो 1 ले, अदरवाइज वो 0 ले. ठीक है, सिमिलरली आई वॉन्ट टू क्रिएट अनदर डमी वेरिएबल विच इज D4 विच टेक्स वैल्यू लाइक दीज, कि अगर क्वार्टर वैल्यू 4 हो तो ये हो, अदरवाइज ये सिचुएशन. ठीक है, तो ये मैंने तीनों काम एक ही उसमें कर दिए, तो म्यूटेट के अंदर ही ये 3 बार चीजें लिख दी, तो ये 3 बार ये चीजें हो जाएंगी एक साथ. ठीक है, तो एक्चुअली हम ये चीज चारों एक साथ भी कर सकते थे, बट पहले हमने इस चीज को समझा, अब फिर इसके बाद हमने सारी चीजें रिपीट कर दी. ठीक है, ये कमांड समझ आ गई. तो अब मैं क्या चाह रही हूँ कि D2 D3 D4 ये सब दोबारा से क्रिएट हो जाए, फाइन? तो लेट्स डू इट. तो लेट्स रन इट एंड देन यू कैन सी हियर दैट यू हैव D1 विच इज अ न्यूमेरिक, D2 D3 D4 एंड देन यू कैन ऑल्सो सी इट हियर विच इज लाइक दिस. तो ये देखो D2 क्रिएट हो गया, D3 क्रिएट हो गया, D4 क्रिएट हो गया. तो मुझे डमी वेरिएबल्स अगर अप्लाई करना है तो आई वॉन्ट टू मेक माई डेटा रेडी फॉर दिस, राइट? उसको मुझे उसके लिए रेडी करना पड़ेगा. ठीक है ना, तो ये चीज क्लियर हो गई. अब जैसे एक चीज और होती है, जैसे कई बार ना डेटा इस फॉर्मेट में होता है, जैसे मान लो मेरे पास एक डेटा होता है मेल और फीमेल. अब जैसे क्वार्टर तो 1 2 3 4 था, तो हो सकता है वो न्यूमेरिक हो. मेल तो एक लेटर है ना, MALE. ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे ये कंडीशन लिखी कि क्या क्वार्टर 1 के बराबर है, तो उस केस में कैसे लिखोगे, मान लो M और F ये वैल्यू ले रहा है आपका वेरिएबल, तब उस केस में आपको ये चीजें कैसे लिखनी है कि क्या क्वार्टर ही मान लो उसको, क्या वो मेल अगर है तो जब भी आप कैरेक्टर्स लिखते हो इस तरीके के, तो आपको इन्वर्टेड कॉमास और फिर जो भी अंदर है उस चीज को, तो अब ये चेक कर लेगा कि अगर क्वार्टर में एम वैल्यू मेल वैल्यू होगी तो ये नंबर देना है और एफ वैल्यू होगी तो ये नंबर देना है. ठीक है, तो जब चीजें वर्ड्स में दी हुई है तो वो एग्जैक्टली जो पूरा कैरेक्टर था या जो भी चीज लिखी हुई थी वो उसके अंदर डाल दो और इन्वर्टेड कॉमास में बंद कर दो और फिर वो चीज वेरीफाई हो जाएगी. ठीक है, तो राधर देन, अब लॉजिक समझ गए, क्योंकि
हमें उस चीज को भी तो चेक करना पड़ेगा. इट्स नॉट नेसेसरी दैट आर कैटेगरीज विल बी इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, राइट. और ये नंबर वाले कॉन्सेप्ट क्यों चले यहाँ पे, क्योंकि ये जो क्वार्टर था ये न्यूमेरिक की तरह रिकग्नाइज था. अगर ये न्यूमेरिक की जगह कैरेक्टर होता तो मैं इसको इस तरीके से चेक कर रही होती कि क्या ये कैरेक्टर 1 है, ठीक है, क्या वो कैरेक्टर 2 है, क्या वो कैरेक्टर 3 है, इसलिए इन्वर्टेड कॉमा लगाने पड़ते. बट अभी क्या था, जो ये क्वार्टर्स था ये न्यूमेरिक था, नंबर्स था, तो फिर वो नंबर्स को डायरेक्टली इस तरीके से रिकॉग्नाइज कर पा रहा है. ठीक है ना, ये चीज क्लियर हो गई? इज दिस ओके? फाइन, ठीक है, परफेक्ट, ऑलराइट. तो ये हो गया. अच्छा, अब हाँ, तो हमारे डमी वेरिएबल्स रेडी है. अब हमें सिर्फ क्या करना है, रिग्रेशन करना है. तो हमारा जो रिग्रेशन था उसमें हमें क्या करना था, सेल्स, फिर D2, फिर D3, फिर D4, बस ये करना है. ठीक है, तो चलो करते हैं. क्या करेंगे रिग्रेशन रन करने के लिए? रनिंग द रिग्रेशन एंड दिस इज एनोवा मॉडल, ठीक है, बिकॉज ओनली डमी वेरिएबल इज देयर. एनोवा मॉडल, ठीक है, सेल्स एंड D2, D3 एंड D4, इस पे बेस्ड हमें रिग्रेशन रन करना है. ठीक है, तो इसका रिग्रेशन उसी तरीके से होगा जिस तरीके से हमने बाकी सारे रिग्रेशन रन किए हैं. तो यू कैन सिंपली डू दिस, ठीक है, सेम थिंग. मॉडल 1 LM, मेरा पहला वेरिएबल है सेल्स, ठीक है, और दूसरा वेरिएबल हो गया D2 प्लस D3 प्लस D4, एंड द डेटा दैट आई हैव इज रिटेल सेल. रिटेल सेल दिस डेटा आई हैव एंड देन दैट्स ऑल, राइट. सो दिस इज माय डेटा, दिस इज माय मॉडल, एंड देन आई विल डू द समरी ऑफ दिस मॉडल. ठीक है, इज दैट ऑल राइट? ये तो मेरा जो डेटा है, मेरा जो रेग्रेशन रन करने के बाद आया वो क्या था कि मैंने सेल्स को, फिर मेरा इंटरसेप्ट है, फिर D2 है, D3 है, D4 है, ये इस तरीके से किया. तो ये मेरी इंटरसेप्ट वैल्यू है विच इज B1, एंड देन दिस इज B2, एंड देन दिस इज B3, एंड देन दिस इज B4, राइट. सो दीज आर द वैल्यूज दैट आई हैव. तो ये इनके एस्टिमेटेड बेसिकली कोएफिशिएंट वैल्यूज हैं, एंड देन आर स्क्वेर्ड वैल्यू इज 91.3%, विच इज वेरी हाई, एंड देन दी एफ स्टैटिस्टिक वैल्यू इज देयर. एंड इफ यू चेक द सिग्निफिकेंस, एक तो ये पहला वैल्यू सिग्निफिकेंट है और एक ये आखिरी वैल्यू सिग्निफिकेंट है. D2 और D3 पे जो कोएफिशिएंट है वो सिग्निफिकेंट नहीं है. ठीक है, अच्छा, तो एक काम करते हैं. अभी क्वेश्चन ने क्या बोला था कि एस्टिमेट द मॉडल, एस्टिमेट कर लिया, ठीक है. व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ वेरियस कोएफिशिएंट? अब जो अलग अलग कोएफिशिएंट हैं इनकी इंटरप्रिटेशन क्या है? तो अब इंटरप्रिटेशन क्या है, तो B1 की इंटरप्रिटेशन क्या है? व्हाट इज B1? B1 जो है उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है? B2 जो है उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है? B3 की इंटरप्रिटेशन क्या है? ठीक है, एंड B4 की इंटरप्रिटेशन क्या है? तो बताओ जरा क्या है इनकी इंटरप्रिटेशन. तो B1 वैल्यू जो है वो ये है, ठीक है, B2 जो है वो ये है, B3 जो है वो ये है, और B4 जो है वो ये है, विच इज दिस, राइट. दिस इज सिग्निफिकेंट, एंड दिस इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट, रेस्ट एवरीथिंग इज नॉट सिग्निफिकेंट.
ठीक है। हाँ जी ठीक है। चलो अब B1 का क्या मतलब है जरा बताओ। अगर ये मॉडल है तो B1 का क्या मतलब होगा? व्हाट इज B1? टेल मी, दिस वी स्टडीड इन यस्टरडे लेक्चर। तो B1 मेरे को क्या बताएगा? तो B1 आपको क्या देता है कि जब सारे जब सब जीरो हैं देन सेल्स कितना है B1? सब जीरो मतलब क्या? तो D2, D3, D4 ये सब वैल्यूज जब जीरो हैं तो एवरेज सेल्स क्या होगी? वही है। सो D2, D3, D4 जीरो वैल्यू तीनों कब लेंगे? D2 भी जीरो वैल्यू ले, D3 भी जीरो वैल्यू ले, D4 भी जीरो वैल्यू ले, ऐसा कौन कब होता है? जब आपकी बेस कैटेगरी में हो आप। बेस कैटेगरी क्या है? कि फर्स्ट क्वार्टर, राइट? तो B1 क्या है? व्हाट इज द एवरेज सेल्स इन द फर्स्ट क्वार्टर, राइट? एवरेज रिटेल सेल। सेल इन द फर्स्ट क्वार्टर, राइट? तो एवरेज रिटेल सेल इन द फर्स्ट क्वार्टर इज 930.41, 930.41 इतनी एवरेज रिटेल सेल है फर्स्ट क्वार्टर में। ठीक है, परफेक्ट। व्हाट डज B2 टेल यू? B2 क्या बता रहा है? सेकेंड क्वार्टर की सेल कितनी थी? सेकेंड क्वार्टर की अगर सेल बतानी हो तो क्या होगा? तो जब आप सेकेंड क्वार्टर की सेल बताओगे तो जो थर्ड क्वार्टर वाला डमी है और फोर्थ क्वार्टर वाला डमी है वो जीरो वैल्यू लेगा, राइट? तो फिर सेकेंड क्वार्टर की सेल कितनी होगी? एवरेज सेल ऑफ द सेकेंड क्वार्टर क्या होगी? टेल मी, कम ऑन। ठीक है, सो यू आर सेइंग कि D2 जब 1 है तो क्या? नहीं, तो आई एम जस्ट आस्किंग यू व्हाट इज द एवरेज सेल ऑफ सेकेंड क्वार्टर? एवरेज सेल ऑफ सेकेंड क्वार्टर क्या होगी? B1 + B2, राइट? सेकेंड क्वार्टर में D2 1 वैल्यू लेता है, D3 0 लेगा, D4 0 लेगा। तो सेकेंड क्वार्टर की एवरेज सेल्स क्या बताएगी? B1 + B2, राइट? तो B2 क्या बता रहा है फिर? सिर्फ B2 क्या बता रहा है कि एक्स्ट्रा क्या? एक्स्ट्रा बताओ कि द चेंज बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज सेल इन द सेकेंड क्वार्टर एंड द फर्स्ट क्वार्टर, राइट? यस। सो व्हाट डज B2 टेल मी? द डिफरेंस बिटवीन सेकेंड एंड फर्स्ट क्वार्टर सेल, राइट? ठीक है, इज दैट ओके? परफेक्ट। ठीक है ना, तो B2 को इसीलिए क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इंटरसेप्ट कोएफिशिएंट, कि सेकेंड क्वार्टर और फर्स्ट क्वार्टर में जो डिफरेंस है वो कितना है। ठीक है, अच्छा B3 क्या बताएगा मेरे को? या मुझे बस ये बता दो थर्ड क्वार्टर की सेल कितनी होगी?
सेकेंड क्वार्टर की सेल क्या थी? B1 + B2, ठीक है। थर्ड क्वार्टर की सेल क्या होगी बताओ जरा? B1 + B3, क्यों? क्योंकि जब थर्ड क्वार्टर होगा तो ये वैल्यू 1 आएगी, ये 0, ये भी 0, तो B1 + B3, परफेक्ट, वेरी गुड। फोर्थ क्वार्टर की सेल सिमिलरली क्या हो जाएगी? ये है ना, तो जैसे हमें B2, क्या था डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट क्वार्टर का सेल एंड सेकेंड क्वार्टर का सेल? B3 क्या होगा? व्हाट विल B3 बी? B3 क्या होगा? डिफरेंस बिटवीन व्हाट? डिफरेंस बिटवीन थर्ड एंड फर्स्ट क्वार्टर सेल, परफेक्ट। थर्ड एंड फर्स्ट क्वार्टर सेल। सिमिलरली B4 क्या होगा? डिफरेंस बिटवीन फोर्थ एंड फर्स्ट क्वार्टर सेल, राइट? है ना, ठीक है। तो अब ये बताओ, जैसे हमारा सिर्फ D4 का जो इंटरसेप्ट है वो सिग्निफिकेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ? कि द डिफरेंस बिटवीन द फोर्थ क्वार्टर सेल एंड द फर्स्ट क्वार्टर सेल दैट इज सिग्निफिकेंट, राइट? यस और नो? ठीक है, तो इसका मतलब जो फर्स्ट क्वार्टर की सेल थी और फोर्थ क्वार्टर की सेल है उनके बीच में डिफरेंस है, लेकिन बिकॉज ये B2 और B3 सिग्निफिकेंट नहीं आए, तो इसका क्या मतलब है? फर्स्ट क्वार्टर और सेकेंड क्वार्टर की जो सेल है उसके बीच में ज्यादा कोई डिफरेंस है नहीं, इट्स नॉट सिग्निफिकेंट। सिमिलरली थर्ड क्वार्टर और फर्स्ट क्वार्टर की जो सेल है उसके बीच में डिफरेंस नहीं है, एंड आपकी जो बेस कैटेगरी है सारा कंपेरिजन उसी के रिस्पेक्ट में होता है, इसीलिए आपको अपनी बेस कैटेगरी ध्यान से चूज करनी है। तो बिकॉज सब कुछ फर्स्ट क्वार्टर सेल से कंपेयर कर रहे हैं कि फर्स्ट और थर्ड में डिफरेंस है कि नहीं, फर्स्ट और फोर्थ में डिफरेंस है कि नहीं, फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस है कि नहीं, राइट? ठीक है, दिस इज फाइन, परफेक्ट, वेरी नाइस। ठीक है, तो ये चीज हो गई है, तो हमने इंटरप्रिटेशन बता दी। गिव अ लॉजिकल रीजन फॉर वाई द रिजल्ट आर दिस वे। तो वाई डू यू थिंक कि रिजल्ट ऐसे हैं? फर्स्ट से जो फर्स्ट टू थर्ड क्वार्टर जो होता है वो कौन सा होता है यूजुअली, जिसको हम लोग बोलते हैं जनवरी टू मार्च, एंड देन अप्रैल टू जून, एंड देन जुलाई टू 3 months, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हाँ ठीक है। तो अब ये बोल रहे हैं कि ये रिजल्ट्स ऐसे क्यों दिखाई दे रहे हैं जैसे दिखाई दे रहे हैं, तो क्यों फर्स्ट क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर की सेल में डिफरेंस है और फर्स्ट क्वार्टर सेकेंड क्वार्टर फर्स्ट क्वार्टर थर्ड क्वार्टर इनके सेल में डिफरेंस नहीं है, क्या लगता है? व्हाट कुड बी द पोटेंशियल रीजन? एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स वी आर सेलिंग? टॉय, गेम्स, राइट, एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, समथिंग एल्स। तो गेम्स, टॉयज, ये सब। तो क्यों ऐसा डिफरेंस है बिटवीन फर्स्ट क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर सेल? फोर्थ क्वार्टर में क्या क्या आ गया? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। एडवर्टाइजमेंट अच्छी की होगी, एडवर्टाइजमेंट सालों साल अच्छी कर रहे हैं, हाँ। अक्टूबर, दिसंबर, सॉरी अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, इट्स मोस्टली द फेस्टिव सीजन ना, है ना, क्रिसमस, न्यू ईयर। खैर ये इंडियन डेटा नहीं है तो, वरना दिवाली भी बोल देते, ठीक है। तो इट्स मोस्टली ये फॉरेन डेटा ही है, तो वहाँ पे मेन जो फेस्टिवल होता है वो यही है, थैंक्सगिविंग, और फिर वो सब बिल्कुल उनका ईयर एंड क्रिसमस, हैलोवीन, ये सब आ जाता है। तो दैट इज प्रिसाइसली द रीजन वाई, बिकॉज जब लोग उस माहौल में होते हैं तो गिफ्टिंग, बच्चों को गिफ्ट देना, ये सब बहुत होता है। तो यू वुड एक्सपेक्ट कि हाँ फर्स्ट क्वार्टर जहाँ की जब बिल्कुल एकदम ईयर शुरू हो रहा है, कोई हॉलीडे नहीं है, तब उतना वैसा सिचुएशन नहीं होगा, और फोर्थ क्वार्टर में जाहिर सी बात है कि वो चीज होनी चाहिए। एंड यू कैन सी दिस डिफरेंस आल्सो, सी द डिफरेंस, इट्स सच अ ह्यूज डिफरेंस कि फर्स्ट क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर की जो सेल है उसमें इतना बड़ा डिफरेंस, और ये डिफरेंस भी सिग्निफिकेंट है, राइट? तो
तो अलग अलग सीजन्स का सेल पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है, ठीक है, फाइन, ठीक है, ठीक है। तो आपका टास्क अब ये है कि जैसे 16.11 हमने किया है, अब एक और क्वेश्चन है 16.12। दिस इज बेस्ड ऑन दिस डेटा ओनली, ट्राई टू अटेम्प्ट दिस प्रॉब्लम, ठीक है। और इस केस में जो है रिग्रेशन विदाउट क्या हो रहा है, रिग्रेशन विदाउट इंटरसेप्ट हो रहा है, इसीलिए इन्होंने ये चार कैटेगरीज D1, D2, D3, D4 किया हुआ है, ठीक है। और जब भी आपको R में रिग्रेशन ऐसा रन करना है जिसमें विदाउट इंटरसेप्ट आप कर रहे हो, तो देन यू कैन सिंपली डू दिस। लेट मी जस्ट टेल यू द कमांड फॉर डूइंग रिग्रेशन विदाउट एनी इंटरसेप्ट। सो लेट्स से मॉडल नंबर 2, और मैंने इसीलिए D1 ऑलरेडी बना दिया था। तो जब भी आपको विदाउट इंटरसेप्ट रिग्रेशन रन करना है, सबसे पहले आपको 0 लिख देना है, 0, और फिर प्लस करना है। इससे ये रिप्रेजेंट हो जाता है कि आपको इंटरसेप्ट की जरूरत नहीं है, ठीक है। और फिर अपना D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4 ये करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है कि आपको कोई इंटरसेप्ट नहीं चाहिए और ये चारों डमी वेरिएबल्स होने चाहिए। और ये चारों क्यों हो सकते हैं, क्योंकि हमारा ये मॉडल वो नहीं है विद इंटरसेप्ट वाला। तो जब भी इंटरसेप्ट होता है तब कैटेगरी एक कम करनी है, जब इंटरसेप्ट अगर हट गया है तो देन द कैटेगरीज कैन बी द सेम। तो अब इन्होंने बोला है कि ये मॉडल और जो पुराने मॉडल से रिजल्ट आए थे वो कैसे अलग हैं, क्यों अलग है, कंपेयर करो। सो दिस यू शुड ट्राई ऑन योर ओन, आई हैव टोल्ड यू दिस कमांड। तो इस कमांड को अगर आप रन करोगे तो ये बिल्कुल आराम से मॉडल नंबर 2 रन हो जाएगा, ठीक है। और इसके जब रिजल्ट्स भी देखोगे तो मॉडल 2 जो है आप इसकी समरी देख सकते हो, ठीक है ना। तो ट्राई टू इंटरप्रेट एंड सी हाउ दिस मॉडल इज डिफरेंट फ्रॉम दी प्रीवियस मॉडल, बट दैट इज योर होमवर्क, सो प्लीज ट्राई टू डू दैट वंस, ठीक है। तो देखना फिर इसको, ठीक है, इज दैट ओके। तो ये सारे एस्टिमेट हो गए, और मान लो आपने अगर इसको ऐसे ही रन कर दिया होता विदाउट दिस तो क्या होता, वो भी देख लो। आपने D1, D2, D3, D4 चारों डमी वेरिएबल्स ऐड कर दिए और परफेक्ट कोलिनियरिटी है, मॉडल तो रन हो गया। अब जब इसकी समरी रन करोगे तो अब यहाँ पे देखना क्या हो रहा है। इन्होंने क्या किया, कोएफिशिएंट 1 नॉट डिफाइंड बिकॉज ऑफ सिंगुलैरिटी, तो इन्होंने ऑटोमेटिकली अपनी मनमर्जी से क्या किया, D4 को हटा दिया, क्योंकि हम नहीं कर सकते, परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी आ चुकी है। तो एक डमी वेरिएबल को इन्होंने अपनी मर्जी से हटा दिया, राइट, ठीक है, इज दैट ओके। तो प्लीज ट्राई द सेकेंड प्रॉब्लम विच इज 6.12, उसको ट्राई करना। एंड मिड वीक वी विल डू दिस क्वेश्चन, दैट क्वेश्चन अगेन आफ्टर यू गिव इट सम टाइम। सो आई विल लेट यू नो द टाइमिंग्स एंड ऑल, ओके, ऑलराइट। सो मैम वन क्वेश्चन, अगर हम नॉर्मल लीनियर मॉडल को रन कर देते करें एंड मल्टीपल लीनियर को, देन इफ वी कंपेयर देयर एफ स्टैट्स एंड लीनियर का ज्यादा आ रहा है तो डज दैट मीन एनी थिंग, ज्यादा नंबर आ सकता है, दैट इज फाइन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आप एफ स्टैट को डायरेक्टली कंपेयर नहीं करोगे, एफ स्टैट यू विल यूज जस्ट टू डू दी ओवरऑल सिग्निफिकेंस टेस्ट, नो सच इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन। आर यू सीइंग दैट हैपनिंग, ऐसा हो रहा है क्या, यूजुअली ऐसा नहीं होना चाहिए। यस, ओनली इन वन केस, बट तो ऐसे क्योंकि यूजुअली क्या होता है ना, देखो आप जब नंबर ऑफ वेरिएबल्स ऐड करते हो तो आर स्क्वायर वैल्यू बढ़ती है, और एफ स्टैट को भी आर स्क्वायर का यूज करके आप निकाल सकते हो, तो और वो डायरेक्टली रिलेटेड है। तो अगर आर वैल्यू, आर स्क्वायर वैल्यू यूजुअली बढ़ती ही है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एफ वैल्यू बढ़नी नहीं चाहिए। इफ दैट इज द केस, कैन यू सेंड मी वेयर यू आर सीइंग दैट हैपनिंग, कैन यू शेयर द रिजल्ट्स वंस विद मी,
And I'll check if this is something which can happen or not. ठीक है, हाँ एक बार ही उसके रिजल्ट्स मुझे भेज दो, ठीक है मैं देख लूंगी उसको. ओके ऑलराइट, ओके गाइस, आई विल सी यू सून फॉर द अदर सेशंस, एंड प्लीज ट्राई 6.12, इट्स ऑन द सेम डेटा, एंड ट्राई टू सी हाउ इज इट डिफरेंट और इज इट द सेम और नॉट. ओके ऑलराइट, थैंक यू, टेक केयर, थैंक यू.